इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन को यूबंटो में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप यूबंटो इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन जो है वो इसमें प्री बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है, तो उसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसको हम चेक कैसे करते हैं। आप टर्मिनल ओपन करते हैं, टर्मिनल ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट प्लस टी, तो आप जस्ट यहाँ पर लिखें पाइथन, इट विल गिव यू आर बाई डिफ़ॉल्ट जो भी आपका वर्जन है वो आपको शो करवा देगा पाइथन 2.7.7.7.12। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो न्यूली आजकल पाइथन 3 भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो बाई डिफ़ॉल्ट इसमें वो भी इंस्टॉल्ड होती है, तो उसको चेक कर लेते हैं। हम लिखते हैं पाइथन 3, तो ये ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है पाइथन 3.5.2। तो अभी जो न्यूली इसका वर्जन है वो है पाइथन 3.7, तो आया कि हम उसको देखते हैं कि किस तरह इंस्टॉल करना है। तो बहुत ही सिंपल सी 3-4 कमांड है, जस्ट आपने उसको रन करना है तो आप पाइथन 3.7 को इंस्टॉल कर लेंगे अपनी यूबंटू में। तो एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। सबसे पहले आपने ये एक कमांड है जिसको मैंने जस्ट कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे अपने टर्मिनल पे, sudo apt get update, जो क्या करती है आपके जितने भी पैकेजेस होते हैं उसको अपडेट कर देती है। सॉरी फॉर पासवर्ड रूम। इसके बाद आपने नेक्स्ट कमांड इसको कॉपी किया, देन पेस्ट इट इन टर्मिनल, यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यस। इट विल टेक सम टाइम सो यू हैव टू वेट। So this is completely done. So next command is sudo add apt repository. Just copy it. And paste into the terminal. Press enter to continue. So last one is to install Python 3.7, you just need to copy this command and paste into the terminal. So this is so now we can check Python 3.7. So Python 3.7 is installed. So we can check by any Python programming line, print hello world. Sorry, it's syntax error. So this is printed, so it's mean Python 3.7 is working in your Ubuntu, so enjoy the Python 3.7.